अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 12। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो नंबर है ना, ये कि टू डिजिट नंबर है। टू डिजिट नंबर का मतलब होता है कि माना हमने जो दो डिजिट्स हैं उनको मान लिया, हमने एक को मान लिया हमने एक्स और दूसरे को मान लिया हमने वाई। अब देखो टू डिजिट नंबर्स में क्या होता है, एक तो यूनिट प्लेस होता है और एक टेंथ प्लेस होता है। तो ये हो गया हमारा टेंथ प्लेस वाला जो डिजिट हो गया वो हमारा क्या हो गया एक्स, और यूनिट प्लेस वाला नंबर जो हो गया वो हो गया हमारा वाई। ठीक है, तो ये तो बहुत ही क्लियर है, क्योंकि अगर टू डिजिट नंबर की हम बात कर रहे हैं तो आपको टेंथ प्लेस और यूनिट प्लेस की बात करनी पड़ेगी। अगर आपके पास थ्री डिजिट नंबर होगा तो आपको हंड्रेड प्लेस और फिर टेंथ प्लेस और फिर यूनिट की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास टू डिजिट नंबर है तो हमने टेंथ प्लेस और यूनिट की बात की। अब देखो आगे, अब क्या बोल रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 12। अब देखो प्रोडक्ट हमारे पास यही है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो एक क्वेश्चन आपकी ये बन गई। अब देखो व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर, अब देखो वो नंबर क्या है, वो जो टू डिजिट नंबर है वो टू डिजिट नंबर देखो ये है, टू डिजिट नंबर इज, अब नंबर क्या है देखो एक्स प्लस वाई। अब देखो अब इसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, क्योंकि ये टू डिजिट नंबर है इसलिए हमको उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माना फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1 है तो 10 इंटू 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 11, वो नंबर हो गया हमारे पास। अगर वाई की वैल्यू 0 भी हो जाती है तो तब भी हमारे पास वो सबसे छोटा नंबर 10 होगा। अगर हम डायरेक्ट एक्स प्लस वाई लिख लेते हैं और माना एक्स की वैल्यू 1 भी है और वाई की वैल्यू अगर भी 1 है तो 1 प्लस 1 2 ही होगा, तो वो एक टू डिजिट नंबर हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हमको इसको कंपलसरीली किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10x प्लस वाई हो गया जो हमारा एक्चुअल टू डिजिट नंबर है जो हमने सपोज किया है। तो ये हमने सपोज कर लिया 10x प्लस वाई। अब वो बोल रहे हैं कि जब इसमें 36 हम ऐड कर देते हैं, अब देखो ये नंबर हो गया 10x प्लस वाई, अब हमने इसमें 36 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि जब हम इसमें 36 ऐड कर देते हैं तो उनकी जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। इंटरचेंज हो जाती है मतलब y का x हो जाता है और x का क्या हो जाता है y, मतलब यहां पर अब x की जगह y हो जाएगा और y की जगह क्या हो जाएगा x। क्लियर है, ये नंबर सब ये जो डिजिट हमने माने थे x और y ये इंटरचेंज हो गए, y की जगह हो गया x और x की जगह हो गया y। अब देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल टू हो गया आपका 36। तो ये हो गया 9x माइनस 9y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये वैल्यू रख लो, अब हमको एक ही वेरिएबल में लेके जाना है, या तो हमको x में लेके जाना है या y में लेके जाना है। तो अब x की वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 12 अपॉन वाई, 12 अपॉन वाई हो गई माइनस 9y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया 108 माइनस 9y स्क्वायर माइनस 36y इज इक्वल टू 0। इसको आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो उसको। अब देखो सारा 9 के वेरिएबल्स हैं, 9 से इसको टोटल को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो गया 12 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। किससे किया हमने, डिवाइडिंग बाय 9, पूरे इक्वेशन को हमने 9 से डिवाइड कर दिया। अब देखो हमको फिर वही चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको फिर साइन हम चेंज कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो फैक्टर कर लो इसके, हो गए ये फैक्टर, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 6 माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो y की एक वैल्यू आ गई आपके पास 2 और एक वैल्यू आ गई आपकी माइनस 6। अब आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू उठा सकते हो, 2 भी उठा सकते हो माइनस 6 भी उठा सकते हो, तो हम पॉजिटिव वाली उठा लेते हैं। तो y तो हम पे y हमको मिल गया है ऑलरेडी 2, तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिख लो, एक्स वाई इज इक्वल टू 12 वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ये टॉप वाली, इस इक्वेशन में रख लो ये वैल्यू y की जगह 12। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन y, तो हो गया 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x आ गया हमारे पास 6, y आ गया 2, अब इसको रख लो आप इक्वेशन नंबर 2 में। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई है 6, तो हो गया 10 इंटू 6 प्लस 2, तो ये हम पे आ गया वैल्यू 62। ठीक है।